Student, question number 4, they are given you, sorry, question number 6, they are given you as 4x square minus 11x plus 6 upon 16x square minus 9. So here what we will do, we will take up the first term, we will take up the last term, we will first multiply it out as 4 into 6 is what? 24. 6 4s are 24. It is ka le raha hum log 4x square minus 11x plus 6 ka. तो 24 का स्प्लिट अप इस तरह से होना चाहिए जहां पे हम लोग को आंसर 11 आना चाहिए प्लस में तो माइनस में. तो 8 3 जा 24 और 8 प्लस 3 आ गया 11. साइन देखो क्या है माइनस. तो माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11. तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6. 11x के जगह पे माइनस 8x माइनस 3x लिखे. उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, दोनों साइड पे x है तो क्या बचेगा x माइनस 2. यहां पे भी दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो राइट हियर माइनस 3 बचा क्या x माइनस 2. करेक्ट, माइनस 3 इंटू x इज माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6 और प्लस 6 इट इज माइनस माइनस प्लस. तो 3 टू द 6. सो व्हाट इज कमिंग हियर 2 टाइम्स, x माइनस 2 इज कमिंग 2 टाइम्स एंड 4x माइनस 3 इज रिमेनिंग. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, हम लोग इसको पकड़ेंगे. सो गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर हियर, व्हाट वी आर गेटिंग हियर एज, वी आर गेटिंग हियर एज x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 4x माइनस 3, उसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 पकड़े. तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसका आंसर x माइनस 2 और 4x माइनस 3 करके. नाउ 16x स्क्वायर माइनस 9 उसका स्प्लिट अप कैसा होता है, दैट विल सी हिट हियर. फैक्टराइजेशन कैसा होता है, 16x square minus 9 is given to you all. It is 4x ka square minus 3 ka square. Correct? 4 into 4 is 16. X into x is x square minus 3 ka square is 9. You all know the identities. A square minus b square is what? A minus b and a plus b. Ye a square minus b square ka formula hai. To a square ka matlab 4x. A का मतलब 4x, B का वैल्यू 3, तो हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 3 और 4x प्लस 3. ये इक्वेशन नंबर 2 पकड़ते और नीचे हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 3, 4x प्लस 3. राइट इट डाउन फ्रॉम 1 नंबर एंड 2 नंबर, फ्रॉम 1 एंड 2. से हम लोग को इस तरह से इक्वेशन मिल गए. तो 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इज गेटिंग कट. वी आर गेटिंग द आंसर एज x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3. सो लाइक दिस वी गॉट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एज x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3. नाउ वी विल सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. So, question number 7, they are given you as a cube minus 27 upon 5 square minus 16a plus 3 divided by a square plus 3a plus 9 upon 25a square minus 1. So, your division is there. We have seen the previous sum. If the division is there, we will do what? Multiplication, and that this becomes a reciprocal on the right hand side of the division. First, we will solve a cube minus 27, we'll factorize it. Write it down here as a cube minus 27 means a cube minus 3 ka cube. That you all know 3 into 3 into 3 is 27. You all know the formula also. What the formula says, a cube minus b cube is equal to a minus b and a square plus ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला तो तुम लोग को पता ही है कि बहुत बार हम लोग सब सॉल्व किए. तो हम लोग क्या करेंगे पता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस थ्री क्यूब का आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी के जगह पे आएगा थ्री, तो हम लोग लिखेंगे ए माइनस थ्री ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर ही है प्लस ए इंटू बी ना, ए इंटू बी का मतलब ए इंटू थ्री का मतलब होता है थ्री ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब थ्री का स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है नाइन। सो लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर वन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन पकड़ते हैं, करेक्ट। अभी नेक्स्ट नीचे का हम लोग देखेंगे, फाइव ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए प्लस थ्री, करेक्ट। सो फॉर फाइव ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए प्लस थ्री, आई टोल्ड यू कि वी हैव टू टेक द फर्स्ट टर्म नंबर एंड वी हैव टू टेक द लास्ट टर्म नंबर, करेक्ट। सो फर्स्ट टर्म नंबर का, फर्स्ट टर्म नंबर क्या है, फाइव है, तो लिखो फाइव इंटू लास्ट टर्म क्या है थ्री, तो फाइव इंटू थ्री होता है फिफ्टीन, बीच में क्या चाहिए माइनस सिक्सटीन, तो हम क्या लिखेंगे फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन, माइनस का साइन है ना, तो माइनस फिफ्टीन माइनस वन होता है माइनस सिक्सटीन। देन वी राइट इट डाउन, फाइव ए स्क्वायर माइनस फिफ्टीन ए माइनस वन ए प्लस थ्री लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद एक ग्रुप बनाएंगे, सेकेंड ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप में कॉमन क्या दिख रहे हैं, दोनों फाइव के टेबल में आते हैं, दोनों साइड पे ए है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए बचेगा माइनस थ्री बचेगा। टेबल व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर, यू क्रॉस चेक, फाइव ए इंटू ए इज व्हाट, फाइव ए स्क्वायर माइनस फाइव ए इंटू थ्री इज माइनस फिफ्टीन ए। अगेन हियर व्हाट इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, दे विल बी टेकिंग इट एज वन, सो टेक केयर एज माइनस वन ए माइनस थ्री। वापिस क्रॉस चेक करो कि हम लोगों ने आंसर लिखा बराबर है कि नहीं, माइनस वन इंटू ए होता है माइनस वन ए, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, वन इंटू थ्री हो गया थ्री, तो जो हम लोग ने यहां पे लिखा वो बराबर है। सो व्हाट इज रिपीटिंग टू टाइम्स, ए माइनस थ्री दो बार रिपीट हो रहा है, क्या बच रहा है, फाइव ए माइनस वन इज रिमेनिंग, राइट डाउन फाइव ए माइनस वन, लेट दैट बी योर इक्वेशन नंबर टू, करेक्ट। तो हमारे पास एक नंबर पे आया ए माइनस थ्री ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस नाइन, सेकेंड डिनोमेटर वी गॉट इट एज ए माइनस थ्री एंड फाइव ए माइनस टू। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो आई जस्ट पुट इट हियर, इज इक्वल टू ए माइनस थ्री एंड ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस नाइन अपॉन वाइट व्हाट आई गॉट इट हियर, ए माइनस थ्री एंड फाइव ए माइनस वन, आई गॉट इट हियर, करेक्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट हियर, नाउ विल सी व्हाट इज द साइन गिवन टू योर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस नाइन, सो इट विल बी एज इट इज ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस नाइन, इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट अगेन चेक इट आउट ऑल्सो, थ्री इंटू थ्री इज नाइन, सी नाइन का मैं स्पीडअप बताता हूं, थ्री इंटू थ्री होता है नाइन, करेक्ट, थ्री प्लस थ्री करेगा तो सिक्स, बीच में क्या चाहिए थ्री चाहिए, तो प्लस तो कर ही नहीं सकते हो, थ्री माइनस थ्री इज जीरो, बीच में थ्री चाहिए जीरो नहीं चाहिए, तो थ्री थ्री जा नाइन भी नहीं ले सकते हो, तो यूनिट सेकेंड टेबल इज नाइन वन जा नाइन, करेक्ट, सो नाइन प्लस वन इज टेन, देखिए मेरे को थ्री चाहिए तो आई कैन नॉट टेक, नाइन माइनस वन इज एट, देखिए बीच में थ्री है तो आई कैन नॉट टेक एनी ऑफ द नंबर, सो आई लेफ्ट इट एज इट इज। नाउ कमिंग 25 ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज फाइव का स्क्वायर है नहीं, माइनस वन का स्क्वायर है, 5
5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 स्क्वायर इज 1. सो यू ऑल नो द आइडेंटिटीज, व्हाट आर दे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट? a माइनस b एंड इट इज a प्लस b. फंक्शन ऑफ a आई कैन पुट इट एज 5a माइनस 1 एंड 5a प्लस 1, दैट विल बी माय इक्वेशन नंबर 3. So 25 a square minus 1, we got it as 5a minus 1, 5a plus 1. So I'm writing it here, 5a minus 1, 5a plus 1. अब यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे जो कुछ भी हम लोग ने किया, तो रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर से हम लोग ने जो कुछ भी किए हो. उसके बाद a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन a माइनस 3 5a माइनस 1, देन सी द साइन व्हाट इट इज डिवाइडेड. सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट मल्टीप्लाई इट आउट. ऑपोजिट ऑफ डिविजन इज मल्टीप्लीकेशन. जैसे मल्टीप्लाई किया, नीचे का दोनों जो टर्म है सीधा ऊपर जम करेगा, ऊपर का टर्म नीचे जम करेगा, मीन्स रेसिप्रोकल. सो 5a माइनस 1 5a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इट इज. नाउ यू कैन कट इट अप एंड डाउन. a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 कट, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 कट. और क्या कट हो रहा है? a माइनस 3 a माइनस 3. और क्या कट हो रहा है? यू विल टेल सर 5a माइनस 1 5a माइनस 1. देन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज रिमेनिंग हियर. ओनली 5a प्लस 1 इज रिमेनिंग, नथिंग एल्स, बिकॉज ऑल आर गेटेड कटेड अप एंड डाउन हियर. डिनोमिनेटर no value, nothing in the mess, only one number will be there. So we got the answer for question number 7 as 5a plus 1. Very easy it was, but here you have to take care of all the terms, all the identities. When you will be using it where, as well as you have to see the sign also. If division is there, you have to do multiplication as well as you have to do the reciprocal also while doing the multiplication. That much care to take it out, rather it is very much easy. Now we see on to the next question, question number 8. So question number 8, they are given you as 1 minus 2x plus x square upon 1 minus x cube multiplied by 1 plus x cube upon 1 plus x it is. So what we will do, you know, we have to take the factorizations of numerator as well as the denominator. So right here x is equal to 1 minus 2x plus x square. Shortcut batata hoon main, 1 ka square 1 aata hai to hum log likhenge 1. Kya sign dikh raha? Minus sign dikh raha hai, dekho minus. X ka square hai na, to x likho the whole square, it is this the answer. So you can cross check also. We can write it down, 1 minus 2x plus x square, it is the formula of a minus b the whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, correct? A square minus 2ab plus b square है, तो a का मतलब हो गया 1, 1 का square है 1 ही है, minus 2 into a into b, 2 into a into b means 2 into 1 into x, 2 ones are 1, into x is minus 2x, plus b square, यानी ये वाला b square हो गया x square plus x square, correct? So based on this formula we have done it, name it as equation number 1 here. So 1 minus x ka whole square ka answer 1 minus 2x plus x square, it is like this way, upon here also 1 minus x cube
is what? It is 1 cube minus x cube. 1 minus x ka cube ka matlab 1 cube minus x cube. Ye formula, you all know what it is. A cube minus b cube is what? A minus b. Then a square plus ab plus b square. Correct? So, मेरा ये फॉर्मूला में मैं 1 और x को डालने वाला हूँ a और b के जगह पे. तो a माइनस बी के जगह पे 1 माइनस एक्स में डाल दूंगा. ब्रैकेट ओपन. ए स्क्वायर का मतलब होता है 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर का आंसर आता है 1 प्लस a इंटू बी. ए इंटू बी का मतलब होता है x इंटू 1. x इंटू 1 कितना? x. तो मैं लिखूंगा x प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर का मतलब ये बी होता है ना. बी का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2. सो वी गॉट द आंसर एज फॉर 1 माइनस एक्स क्यूब के लिए आंसर क्या है हमारे पास? हमारे पास आंसर आया 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इट इज लाइक दिस वे. So based on these things only, we'll be putting it out in our question that is there on the left side of the board. It is like this way. Now, I'm going to put it here. 1 minus x cube ka answer. Yeh main yahan pe likhne wala hoon. 1 minus x karke. Aur 1 plus x square karke main yahan pe likhunga. Iska answer. Multiply by 1 plus x cube upon 1 plus x it is. और यहां पे इसका reason भी लिखूंगा from 1 and 2. Reason I will write it down from 1 and 2. 1 and 2 सब लोगों को मिल गया. अभी यहां पे 1 minus x का square है. इसका मतलब हम दो बार लिखेंगे. 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज अपॉन 1 प्लस एक्स. इट इज लाइक दिस वे. सो हियर व्हाट इज गोइंग टू कट हियर ऊपर नीचे इफ यू सी केयरफुली क्या कट हो सकते हैं ऊपर और नीचे. I will also write here square because in the question it is square. So you can cut up and down. 1 plus x square cut. 1 plus x square cut. 1 minus x cut. What is remaining? The answer remaining is 1 minus x upon 1 plus x. So this is your final answer for question number 8 it is. 1 minus x plus 1 plus x. So this is how we are completed our practice set 6.4. It was very much easy. All was based on the identities only. You have to do a practice a lot. Just take a piece of paper, write down the identities, all the identities which are done in lesson number 6 here, and just band it out all the identities. जैसे कि a cube minus b cube का answer क्या आता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब उसका आंसर क्या है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर. ए माइनस बी द होल स्क्वायर व्हाट आर द आंसर एज वेल एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हाट इज द आंसर दैट विल जस्ट डू इट प्रैक्टिस इट आउट. आफ्टर प्रैक्टिसिंग दैट आइडेंटिटीज डू ऑल द सम्स व्हाट वी हैव डन ऑन द बोर्ड हियर. सी माय वीडियोस सी माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो गो टू द प्लेलिस्ट सी माय ऑल द वीडियोस फॉर लेसन नंबर 6 एंड स्टार्ट टू डू द सम्स. 1 or 2 टेस्ट नहीं समझ में आया तो और एक बार वीडियो देख के आप लोग सब सॉल्व कर सकते हो. लेकिन सॉल्व करते रहना चाहिए. मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्रैक्टिस इज नीडेड. विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट दैट मच इजी ऑल्सो. स्टूडेंट माइट टेल सम ऑफ योर फ्रेंड्स माइट टेल यू अरे मैथ तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है कुछ समझ में आता ही नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू फील इंटरेस्ट लेके आओ. अगर इंटरेस्ट लेके आएगा और खुद होकर सब सॉल्व करेंगे ना इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. और यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन तो है ही नहीं है. द थिंग इज दैट एक सम के अंदर और एक आइडेंटिटीज है
उसके साथ ही साथ सेकेंड आइडेंटिटीज भी है वही सम में, थर्ड आइडेंटिटीज भी है वही सम में, तो ये सब सम आपको सॉल्व करते रहना पड़ेगा। एंड होप जो मैंने भी सीखा है आप लोगों को इट वॉज वेरी मच इजी, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट लेवल बेस्ट टू मेक इट वेरी मच इजी, एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन अगर समझ में आया तो, एंड प्लीज शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट।